दोस्तों अपने विधायक को जानिए कार्यक्रम में अभी तक हमने सिर्फ जीतने वाले एमएलए की बात की है। आज हम राजस्थान के नगर विधानसभा क्षेत्र से विवादों के चलते बुरी तरह से चुनाव हारने वाली अनीता सिंह गुर्जर की बात करेंगे। भरतपुर जिले के नगर से दो बार विधायक बनने वाली अनीता सिंह गुर्जर को तीसरे स्थान पर ही सबर करना पड़ा है। अनीता सिंह गुर्जर का जन्म 4 जून 1971 को मुंबई में हुआ था। अनीता सिंह ने बीएससी के बाद एलएलबी की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1996 में नगर के जिला प्रमुख का चुनाव जीतने से की। 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में अनीता सिंह गुर्जर नगर हलके से लगातार चुनाव जीतती रही, लेकिन वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान अनीता सिंह के अफसरों को धमकाने के ऑडियो वायरल हुए। इसके अलावा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह से अदावत भी अनीता सिंह की हार का बड़ा कारण बनी। अनीता सिंह गुर्जर का सबसे चर्चित ऑडियो बीडीओ मोतीलाल जागड़ को धमकाने का था। अनीता सिंह एक ग्राम सेवक विजय जैन को पद मुक्त करने के कारण जागड़ से नाराज थी। अनीता सिंह ने जागड़ को बीडीओ का पदभार संभालने के बाद मिलने के लिए न आने पर भी धमकाया। अनीता सिंह का एक एसडीएम को भी मिलने के लिए न आने पर धमकाने का ऑडियो भी वायरल हुआ था। अनीता सिंह गुर्जर की एक पंच के पति से बातचीत का ऑडियो भी चर्चित रहा था। अनीता सिंह इस पंच का समर्थन अपने सरपंच के लिए चाहती थी। अनीता सिंह इन ऑडियो को अपना होने से मना करती रही हैं। अनीता सिंह की 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह से अदावत भी चर्चा में रही है। एक बार तो अनीता सिंह ने डॉक्टर दिगंबर के पुत्र डॉक्टर शैलेश सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर पुलिस में मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। अनीता सिंह गुर्जर को यूके से जान से मारने की धमकी देने वाला फोन भी काफी चर्चा में रहा था। अनीता सिंह के पति अजीत सिंह भी 2007 में गुर्जर आंदोलन के दौरान एक शराब का ठेका जलाने के मामले में विवादों में बने रहे। नगर विधानसभा क्षेत्र भरतपुर आरक्षित लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। नगर में 200 से ज्यादा गांव और एक शहर आता है। नगर क्षेत्र के अनेक गांव पीने के पानी की समस्या से बुरी तरह जूझ रहे हैं। 2018 के चुनाव में नगर से बसपा के वाजिब अली को विजयी घोषित किया गया। समाजवादी पार्टी के नेम सिंह फौजदार दूसरे और भाजपा की अनीता सिंह गुर्जर तीसरे स्थान पर रही। वसुंधरा राजे सरकार के दौरान अनीता सिंह गुर्जर ने अफसरों को धमकाने की बजाय लोगों की समस्याओं पर जरा ध्यान दिया होता तो शायद उनकी इतनी बुरी हार न होती। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।